हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए, टर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस टर्म का मतलब समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जैसे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं लिखा मिल जाए तो इसको शॉर्ट में अपन वन ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, वन ईवी। तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट। फिर से एक बार पढ़े डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट। सुने, अभी आपको क्लिक नहीं किया होगा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको वन वोल्ट से वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखें। पहले तो ये रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इसको बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से सुने, हम किसी भी वन इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट का झटका देंगे, वन वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का इसे बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट से एक्सेलरेट करो, जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा इसे क्या बोलेंगे, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से एक बार, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट से एक्सेलरेट करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैसे ही कन्वर्जन है, कूलम चार्ज का यूनिट है, तो कूलम इनटू वोल्ट ये बेसिकली जूल होता है। ठीक, फिजिक्स में आप पढ़ो कूलम इनटू वोल्ट इज जूल। अब देखो, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, मैग्नीट्यूड देखें सिर्फ तो 1.6 इंटू 10^-19 कूलम चार्ज, वोल्ट मीन्स वन वोल्ट। आप देखेंगे ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10^-19 कूलम इंटू वोल्ट इज जूल, तो इतना जूल हो गया। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल। ये जस्ट कन्वर्जन याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी का यूनिट होता है, और इन दोनों में कन्वर्जन क्या है, तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल, याद रहेगा आपको। चलिए, फिर अगर आपको ये याद है, वन इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। अब ऐसे ही वन इलेक्ट्रॉन को टू वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा, टू ईवी, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन को फाइव वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन को टेन वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो एनर्जी कितना मिलेगा, टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? रिवर्स में भी सोच सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है वन इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट से। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से, 5 वोल्ट से। या फिर इसका एक मतलब और हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन लें और सबको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो भी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सिमिलरली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, 10 वोल्ट से। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी विल बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझ में आया होगा, फिर से आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए, प्लस ये कन्वर्जन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल होता है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। राइट, तो आप ये डेफिनेशन लिख लें और ये सिर्फ कन्वर्जन लिख लें आप, ये वाला। चलिए अब प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये है बेसिकली इलेक्ट्रो, ये इरेज हो गया, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक रेडिएशन इफ वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी लास्ट क्लास में हमने सिर्फ थियोरी डिस्कस किया था, आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और एकदम बेसिक से बहुत ही स्टार्टिंग में आपको सिंपल प्रॉब्लम दिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम लिखना है अपनी नोटबुक में। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफ वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम। लिखिए, फिर वीडियो पॉज करें और इसके बाद आप खुद से सॉल्व करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। आपको सारी प्रॉब्लम यही करना है। ऑलमोस्ट आज हम 9-10 प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले हैं, सारे प्रॉब्लम में यही करें आप। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, सारे प्रॉब्लम नोटबुक में लिखना है, फिर इसके बाद सॉल्व करना है आपको। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं आपको कल की फॉर्मूले बता दूँ, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसका वेलोसिटी, पहले तो आप याद रखें, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वैलिड है, राइट। और एक चीज़ और मैंने बताया था, वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये मैंने आपको कल बताया था। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। मैं कल के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है एच न्यू, और आप चाहें तो न्यू के प्लेस पे, सिंस फोटोन का भी वेलोसिटी सी होता है, तो आप लिख सकते हैं एच न्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, वी मीन्स सी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था और वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन देखा था। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको वेवलेंथ गिवन है, फ्रिक्वेंसी चाहिए, आपको पता है वेलोसिटी पता है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स, सॉरी लैम्डा तो गिवन है, न्यू चाहिए, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ये हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखें, ये अगर मीटर पर सेकेंड में है तो नीचे भी मीटर में ही होना चाहिए। तो ये आपको गिवन है 3000 एंगस्ट्रॉम, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं, -10, राइट। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 3×10⁸ अपॉन, इसको लिख सकते हैं 3×10⁻¹, मीन्स ये हो गया 10⁵ पर सेकेंड, या हर्ट्ज लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। जल्दी से आप सॉल्यूशन देखें और नोट करें, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लिया करें। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 50 हर्ट्ज, फाइंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दिया है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का 50 हर्ट्ज, आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। चलिए जल्दी से आप सॉल्व करें वीडियो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखें। फिर से लैम्डा इक्वल टू होता है सी बाई न्यू, और सी गिवन है 3×10⁸ अपॉन 50। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 मैं इसको 100×10⁶ लिख सकता हूँ अपॉन 50, राइट। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ 6×10⁶ मीटर, ये आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन इफ इट्स वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी चाहिए, तो आपको फॉर्मूला पता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू होता है, या फिर एच सी बाई लैम्डा होता है। एच का वैल्यू 6.625×10⁻¹¹, सी का वैल्यू 3×10⁸ अपॉन लैम्डा का वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000×10⁻¹⁰ मीटर। बस एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी कैलकुलेशन करें तो यूनिट, अगर आप एसआई यूनिट में एच पुट कर रहे हैं, सी पुट कर रहे हैं, तो लैम्डा भी एसआई यूनिट में ही पुट करें, ठीक। चलिए मैं फिर इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ, अगर सॉल्व करना चाहें तो 6.625×10⁻¹⁴ ×3×10⁸ अपॉन 3×10⁻¹⁷ लिख सकता हूँ,
थ्री से थ्री कैंसिल्स, माइनस सेवन ऊपर जाएगा, तो एट प्लस सेवन 15 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 19 जूल, राइट। तो फिर से आप एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट वैसे खुद से भी चेक कर लिया करो, लेकिन चलो मैं आपको एक चीज़ यहाँ से शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये नोट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। एक शॉर्टकट है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, ये शॉर्टकट आप याद रख लो। अभी भी लैम्डा अगर एंगस्ट्रम में गिवन है और एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। मीन्स यहाँ पे मैं बता सकता था एनर्जी इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई 3,000, तो ये टू कैंसिल, मीन्स 4 point something कितना 1.5 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। देखो ये वैल्यू लर्न करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, राइट। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जूल में आंसर मिलता है, राइट। तो ये शॉर्टकट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखें लैम्डा अगर एंगस्ट्रम में गिवन है और अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करें आप। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ 20 वॉट बल्ब हैज फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 सेकेंड। चलिए प्रॉब्लम समझने का ट्राई करते हैं। पहले तो आप ये 20 वॉट बल्ब का मतलब समझें। वॉट मीन्स होता है जूल पर सेकेंड, मीन्स 20 जूल पर सेकेंड, मीन्स आपके पास कोई बल्ब है, राइट, और ये बल्ब क्या कर रहा है, 20 जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है, और आपको पता है ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट कर रहा है। आपको दिया है कि ये बल्ब कितना एनर्जी एमिट कर रहा है 1 सेकेंड में, 20 जूल पर सेकेंड, राइट। आपको बताना है कि ये कितने फोटोन 1 सेकेंड में एमिट कर रहा है, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना दिया है, 20 जूल, राइट। अब ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है ये किसके फॉर्म में एमिट कर रहा है, तो फोटोन के फॉर्म में एमिट कर रहा है, राइट। तो यार अब सोचो ये सारे एनर्जी, सारा एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट हो रहा है। 1 फोटोन का एनर्जी आपको पता है एच न्यू, मान लेते हैं कि एन फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो लेट एन फोटॉन्स आर एमिटेड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में एन फोटोन एमिट हो रहे हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एन एच न्यू होता है, राइट। आपको पता है कि 1 सेकेंड में ये प्रॉब्लम में गिवन है 20 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, और आपको ये भी गिवन है कि जो भी एनर्जी एमिट करेगा ये फोटोन के फॉर्म में ही एमिट करेगा, और फोटोन का एनर्जी एन एच न्यू है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, राइट। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एन एच न्यू शुड बी इक्वल टू 20, एन इक्वल्स टू 20 अपॉन एच न्यू, 20 अपॉन एच का वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू इज 100, तो इतना नंबर हो गया, इतना फोटोन एमिट हो रहा है 1 सेकेंड में। सेकेंड पार्ट तो बहुत ही ईजी है, 1 सेकेंड में एन फोटोन, तो 10 सेकेंड में 10 टाइम्स एन फोटोन, राइट। जल्दी से आप सॉल्यूशन नोट कर लें। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, बस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो मैंने रिलेट किया है यहाँ पे कंफ्यूजन मैंने देखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ
बल्ब 1 सेकेंड में 20 जूल है, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन से एमिट कर रहा है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करें। देखो कोई बल्ब है राइट, और बल्ब जो एनर्जी एमिट करेगा राइट, तो ये फोटोन के फॉर्म में ही एमिट करता है। फोटोन मतलब लाइट के पार्टिकल, लाइट के फॉर्म में ही एनर्जी एमिट कर रहा है राइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये फोटोन 20 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये जो फोटोन होंगे इन सबका एनर्जी कितना होगा? 20 जूल होगा, क्योंकि एनर्जी ये फोटोन के फॉर्म में ही एमिट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इक्वेट किया है, मान लो अगर एन फोटोन एमिट हो रहे थे तो एन फोटोन का एनर्जी एन एच न्यू है, और एन एच न्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? 20 जूल राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो आपको इस मोनोक्रोमेटिक टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। किसी भी लाइट में अगर सिंगल वेवलेंथ है तो इसे अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, मोर देन वन वेवलेंथ है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, वो बेसिकली पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है। प्रॉब्लम ये है कि कोई बल्ब है 100 वाट का, वाट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए 100 जूल पर सेकेंड का बल्ब है। ये लाइट एमिट कर रहा है, मीन्स बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, और लाइट का वेवलेंथ गिवन है 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ये प्रॉब्लम सबसे होना चाहिए। तो आप क्या करें, सबसे पहले प्रॉब्लम लिखें, उसके बाद यहीं पे वीडियो पॉज करें और फिर खुद से सॉल्व करें 2-3 मिनट्स में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पता है कि बल्ब कितना एनर्जी एमिट कर रहा है 1 सेकेंड में 100 जूल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एनर्जी एमिटेड बाई बल्ब इन 1 सेकेंड कितना है? 100 जूल राइट। और ये जो हो रहा है, ये एनर्जी किसके फॉर्म में एमिट कर रहा है? तो फोटोन के फॉर्म में एमिट कर रहा है। सेम काम करो कि लेट एन फोटॉन्स आर एमिटेड, लेट एन फोटॉन्स आर एमिटेड इन 1 सेकेंड। अगर एन फोटॉन एमिट हो रहा है तो एन फोटॉन का एनर्जी कितना हो जाएगा? तो एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स इक्वल्स टू एन एच न्यू होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ एन एच सी बाई लैम्डा, ये भी लिख सकता हूँ राइट। तो फिर से ये दोनों एनर्जी इक्वल होंगी, तो आप लिख सकते हैं कि एन एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू 100। क्लियर है? तो फिर से मैं यहाँ पे एन का वैल्यू 100 लैम्डा बाई एच सी, तो 100 लैम्डा है यहाँ पे दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम। ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 3000 × 10⁻¹⁰ मीटर में एच का वैल्यू 6.625 × 10⁻³⁴ × 3 × 10⁸ सॉल्व करेंगे एन मिलेगा। क्लियर? या फिर आप ये भी कर सकते थे, एक और मेथड हो सकता है यहाँ पे। देखो वेवलेंथ गिवन 3000 एंगस्ट्रॉम राइट, और आपको एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब इन 1 सेकेंड 100 जूल है। तो मैं यहाँ पे 100 जूल के चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता हूँ। देखो अगर आपको 3000 एंगस्ट्रॉम है तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन ये हो जाता 12,400 / 3000 राइट।
तो एन फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, एन के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, एन इंटू 12,400 डिवाइडेड बाई 3,000, ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। और आपको टोटल एनर्जी कितना दिया है जूल में, 100 जूल है, तो 100 जूल है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 100 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दोनों डेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आपको शायद ये सेकेंड पार्ट शायद समझ में नहीं आया होगा, फिर से सुने। एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है 12,400 बाई 3,000, शॉर्टकट बताया था मैंने, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, राइट। तो वन फोटोन का एनर्जी मिल गया इतना, एन फोटोन का एनर्जी एन इंटू 12,400 बाई 3,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब जो एनर्जी एमिटेड बाई बल्ब इन 1 सेकेंड 100 जूल गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो मैंने कन्वर्ट किया, फिर सॉल्व करूँगा तो n मिलेगा, ये सेम आंसर होगा। से नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब चाहे तो पहले ये सॉल्यूशन है दोनों आप लिख लें, पहले चलो पॉज करके लिख लें। चलिए फिर नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इन 60 सेकेंड हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 50% विल बी। आपको ये लैम्डा गिवन है 6200 एंगस्ट्रम, और ऑप्शन गिवन है ऑप्शन ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया है एफिशिएंसी 50%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो बल्ब का यहाँ पे बल्ब है और बल्ब का जो वैल्यू है 40 वाट, 40 वाट मीन्स 40 जूल पर सेकेंड, ये 40 वाट का बल्ब है, राइट। लेकिन अगर ये 50% एफिशिएंसी का मतलब है ये सिर्फ अपना 50% काम करेगा, इट मीन्स अब ये बल्ब एक्चुअल में मार्केट में आपको मिला ऐसे लिखा हुआ मिला 40 वाट का है, लेकिन अगर लिखे कि 50% एफिशिएंसी का है, मतलब 40 का 50% कितना होगा 20, तो ये एक्चुअल में 20 वाट है, मीन्स ये सिर्फ एनर्जी रिलीज कर रहा है 20 जूल पर सेकेंड, बस ये मतलब था एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी लिखा होता कि ये 75% एफिशिएंसी है, तो 40 का सिर्फ 75% काम करेगा, मीन्स 40 का 75% 30 वाट का बल्ब होता है एक्चुअल में, राइट। अब आप खुद से सॉल्व करें फिर आप सॉल्यूशन देखना। तो चलिए पहले मैं ये लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इन 60 सेकेंड। तो मैं पहले फाइंड करता हूँ, देखो एनर्जी एमिटेड इन 60 सेकेंड, एक्चुअल में तो ये 20 वॉट का बल्ब बन गया, तो 20 जूल ये 1 सेकेंड में एनर्जी रिलीज कर रहा है, 20 जूल पर सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में ये 20 जूल एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो 60 सेकेंड में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 20 इंटू 60 जूल इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्लियर है। चलो मान लेते हैं कि n फोटोन एमिट हो रहा है, लेट n फोटॉन्स आर एमिटेड, एनर्जी ऑफ एन फोटोन कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स इक्वल्स टू एन एच सी बाई लैम्डा, राइट। और ये फिर से दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि जो भी बल्ब एनर्जी एमिट करेगा वो फोटोन के फॉर्म में करेगा, तो दोनों एनर्जी सेम होंगी। तो लिख सकता हूँ मैं एन एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1200 जूल, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 1200, लैम्डा दिया 6200 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, अपॉन एच का वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी का वैल्यू यह है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट। सॉल्व कर सकते हैं ये वैल्यू, क्लियर है। या फिर एक और मेथड हो सकता है, देखो
या फिर हम सॉल्व करना एन का वैल्यू मिलेगा। आपको एनर्जी एमिटेड इन 60 सेकेंड दिया था राइट, और एन प्रोटॉन्स एमिटेड है। मैं इसके बाद ये दो तो नहीं ठीक है, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ। देखो आपको 6200 एंगस्ट्रॉम दिया है लैम्डा, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन ये हो जाएगा 12400 अपॉन 6200 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर n फोटोन है तो एनर्जी ऑफ n फोटोन ये कितना हो जाएगा 2n इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 2n इंटू 1.6 इंटू 10^-19 जूल। अभी जूल में मिल गया और आपको 1200 है, दोनों इक्वल होंगे तो इक्वेट कर दो यार। तो 2n इंटू 1.6 इंटू 10^-19 इक्वल्स टू 1200। क्लियर है, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो तो आपको n का वैल्यू मिले राइट। जल्दी से आप सॉल्यूशन नोट कर लें।